सो गाइज यहाँ पे 5G से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। बोल ये रहे हैं कि अर्ली जून में आपको 5G ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखते हैं पूरी न्यूज कहाँ से निकल के आई कि जो मई एंड होने वाला है और अर्ली जून में हमें ऑप्शन देखने को मिलने हैं 5G के। सो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है मतलब डॉट है, उसने यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन से रिलेटेड एक कैबिनेट नोट पास ऑन किया। अब यहाँ पे कैबिनेट नोट क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पॉलिसी मेक करने के। मतलब यहाँ पे 5G ऑक्शन से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो डॉट ने यहाँ पे कैबिनेट में दिए हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा यूनियन कैबिनेट का वो आपको इनकी नेक्स्ट मीटिंग में देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे 5G ऑप्शन आपको जून में ही देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो कि टॉप बॉडी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, उन्होंने ट्राई रिकमेंडेशन मान लिया। ट्राई की रिकमेंडेशन क्या थी, ट्राई ने कहा था कि कंपनीज को थोड़ी छूट देनी चाहिए कुछ परसेंटेज की ताकि कंपनीज जो है वो यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो उन्होंने कहा है ठीक है, जो टायर ने कहा था उनकी बात मान लेते हैं और जो हमारा रिजर्व प्राइस होगा थोड़ा कम रहेगा। अब यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी ने ये कहा है जो पूरी ऑक्शन की वैल्यू होगी वो 7.5 लाख करोड़ की होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो 7.5 लाख करोड़ के एयरवेव्स हैं वो पूरे बिक जाएंगे ऑक्शन में। वो डिपेंड करेगा कि जो कंपनीज हमारे टेलीकॉम कंपनी जैसे वी हो गई, हमारी एयरटेल हो गई, जियो हो गई, वो कितने ज़्यादा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये चाह रहा है कि जो ऑक्शन का सारा काम है ये जून जुलाई में ख़त्म हो जाए, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ में ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 15 अगस्त से पहले 5G कमर्शियली अवेलेबल हो जाए, वो टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। अब ये रही ऑक्शन की बात डॉट की तरफ से। अब देखते हैं कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री है और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इस रिजर्व प्राइस को लेकर इस जो ऑक्शन में होगा। अब रिजर्व प्राइस क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट होता है ना जहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होता है उसे रिजर्व प्राइस बोलते हैं। अब वो उनका मानना है कि वो कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे हमारे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब COAI जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इस रिजर्व प्राइस से इतना खुश नहीं है। बट यहाँ पे जो रिजर्व प्राइस का फाइनल कॉल होगा वो कैबिनेट की तरफ से ही आएगा। कैबिनेट ही डिसाइड करेगी कि कितना रिजर्व प्राइस जाएगा इस ऑक्शन में। तो यहाँ पे कैबिनेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस 5G ऑक्शन में। अब कैबिनेट यहाँ पे ये भी डिसाइड करेगी कि जो ऑक्शन होगा एयरवेव्स का वो 20 साल के लिए होगा कि 30 साल के लिए होगा, ये भी अब डिसाइड करना बाकी है। अब लेट्स सी नेक्स्ट मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे इस ऑक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज लाइक ट्राई जो यहाँ पे बोल रही है वही यहाँ पे यूनियन कैबिनेट डिसीजन लेगी। तो लेट्स सी क्या क्या हमारा रिजर्व प्राइस आता है, कितने साल के लिए मिलेगा अभी कंपनीज को ये, और यहाँ पे कंपनीज कितना बढ़ चढ़ के पार्ट लेती हैं इस ऑक्शन पे। अब इन सब चीज़ों से डिसाइड होगा इंडिया में 5G का फ्यूचर कितनी अच्छी तरह बिछेगा और कितनी जल्दी यहाँ पे 5G फैलेगा। होप्स हो यहाँ पे सब चीज़ें सही हों और हमें जल्द से जल्द अच्छा 5G इंडिया में देखने को मिले ताकि हम एक्सपीरियंस कर पाए 5G की स्पीड को। और आप ज़रूर बताना कि क्या आपकी राय है इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्या आपको लग रहा है कि 5G का ऑप्शन यहाँ पे जून में हो पाएगा या थोड़ा और डिले देखने को हमें मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं पता, BSNL भी 2023 तक 5G ला सकता है अपना। हमने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है इसके बारे में, यहाँ से अगर आप देख सकते हो और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।